हेलो एंड नमस्कार मित्रों। नाउ नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त भारत की विजिट पर आए हुए हैं और एक अजीब बात इसमें देखने को ये मिली कि जब वो भारत विजिट पर आए तो सबसे पहले बीजेपी ऑफिस गए और वहां पर उनका भव्य स्वागत भी हुआ। लेकिन नाउ ये क्वेश्चन से एक रेज होता है कि वो सबसे पहले बीजेपी ऑफिस क्यों गए, क्योंकि किसी भी देश का अगर डिप्लोमेट, प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति किसी दूसरे देश की विजिट पर जाता है तो वो सबसे पहले अपने बराबर के ऑफिशियल से मिलता है। लेकिन यहाँ पर वो सबसे पहले बीजेपी ऑफिस गए जहाँ पर उनका भव्य स्वागत हुआ और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और वो आज नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्राइम मिनिस्टर भारत नेपाल रेल प्रोजेक्ट और उसका उद्घाटन भी करेंगे। लेकिन इसी के बीच वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन जो कि काठमांडू में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश और जितने भी कंट्रीज है जहाँ पर हिंदू बसते हैं वहाँ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वहां पर नेपाल सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री प्रेम आले ने यह बयान दिया है कि जब दुनिया में इस्लामिक कंट्री हो सकती है, क्रिश्चियन कंट्री हो सकती है, तो एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता, और हम नेपाल को वापस से हिंदू राष्ट्र जरूर बनाएंगे अगर लोगों का समर्थन हमारे साथ रहा। आपको बता दें कि नेपाल में इस वक्त शेर बहादुर देवबा प्राइम मिनिस्टर है और इससे पहले केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी सरकार गिर गई और अब भारत आने का उनका पर्पस एक भारत और नेपाल के रिश्तों को वापस पटरी पर लाना, क्योंकि केपी शर्मा ओली के समय में भारत से नेपाल के रिश्ते काफी खराब हो गए थे और नेपाल की नजदीकियां चाइना के साथ बढ़ गई थी, क्योंकि जो केपी शर्मा ओली थे वो कम्युनिस्ट पार्टी से थे और चाइना में भी आपको पता होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है और इसी के साथ उनकी नजदीकियां उनके साथ बढ़ गई थी। लेकिन अब वापस से शेर बहादुर देवबा के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भारत से उनकी वापस नजदीकियां बढ़ रही है और उनका भारत आने का पहला प्रबंध तो ये था कि भारत के साथ अपने रिश्तों को नॉर्मल किया जाए, क्योंकि जब भारत और चीन के बीच इस तरह के मामले होते हैं तो नेपाल इसमें बीच में आता है और हमेशा की तरह नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है और ऐसे में उसके अपने पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन होना, अच्छे होना एक उसके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर भारत के साथ उसके रिश्ते खराब हो जाते हैं तो चाइना के साथ वो रिश्ते अपने अच्छे करता है तो, लेकिन चाइना का कोई भरोसा नहीं है क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। नाउ आपको पता होगा कि केपी शर्मा ओली के टाइम में भारत से उन्होंने अपने व्यापार थोड़े बहुत कम कर लिए थे और चाइना के साथ शुरू किया था और उन्होंने नेपाल से चाइना ने ये कहा था कि अगर आप ऑयल वगैरह परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे बंदरगाह से परचेस कर सकते हैं, लेकिन कोविड की वजह से कोविड का बोल करके चाइना ने 2.5 साल तक बैन लगा रखा है कि आप हमारे चाइना के मार्ग से किसी भी तरह की कोई भी व्यापार नहीं कर सकते। इसके बाद नेपाल को ये बात समझ में आ गई कि भारत के बिना उनका ये काम अधूरा रह सकता है और चाइना कभी भी पलटी मार सकता है क्योंकि वो किसी का नहीं है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बन सकता है कि नहीं बन सकता है, और आप कमेंट में हमें ये भी बता सकते हैं कि नेपाल हिंदू राष्ट्र से एक सेकुलर कंट्री कब बना था, आप वो सन का नाम भी हमें कमेंट में दे सकते हैं। बाकी इसी तरह की जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हमेशा की तरह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।